नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर में इन दिनों खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां खनन माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खनन करने का काम कर रहे हैं। दरअसल मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कई स्थानों पर आधुनिक मशीनों के माध्यम से मिट्टी खनन किया जा रहा है, जिसमें शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब खनन माफिया भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े ही शातिर तरीके से खनन कर रहे हैं, जिसमें निशान भी पीछे नहीं मिलते। पहले खनन जेसीबी से किया जाता था, जिसकी खुदाई के निशान साफ दिखाई देते थे और यह पता लग जाता था कि खनन कितने फुट तक हुआ है। लेकिन नई मशीनों से खनन के साथ साथ लेवलिंग भी हो जाती है, जिससे यह पता भी नहीं लग पाता कि यहाँ पर मिट्टी खुदाई हुई भी है या नहीं, जिससे खनन माफियाओं की चांदी कट रही है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन का कारोबार करने वाले ये लोग राजनीतिक हस्तक्षेप वाले लोग हैं और जनपद के नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो नेताओं को फोन कराकर उन्हें धमकाने का काम करते हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इस प्रकार के अवैध कारोबार कर जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं।